आत्मा आपको क्या दे रहा है? आत्मा आपको यह बता रहा है कि आप इस धरा पर, इस धरती पर आप क्यों आए हैं। ठीक है, वैसे ही आपका चंद्रमा जो है वो आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है आपके कुंडली के अंतर्गत कि आपका जो मन है, क्योंकि उन्होंने डिफाइन किया है जब चंद्रमा को, तो उन्होंने यह कहा मनहा मनसा अस्थता। और क्या कहा? मनहा मनहा का तात्पर्य आपका जो मन है वो आपके कुंडली के अंतर्गत कहाँ है, अर्थात आपका मन किस ओर जा रहा है, मन आप किस कार्य में लगा सकते हैं, या फिर कौन ऐसा भाव है जो जिस भाव को लेकर आप अपने जीवन के अंदर भावुक हो जाएंगे, या जिस भाव को लेकर आप इमोशनली इनबैलेंस हो जाएंगे, वो कौन बताएगा? वो चंद्रमा बताएगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक मंत्र के द्वारा क्या की है, सूर्य चंद्रमा की प्रार्थना की है। वो लिखते हैं, श्वेत श्वेतांबरो देवो दशस्व श्वेत भूषण ग्राहस्तो दिवास अस्था ध्रिजोतमा विद्युत ध्रिज। वो कहते हैं कि श्वेत श्वेतांबरो देवो, जो श्वेत अर्थात जो सफेद है, जो सफेद रंग के हैं, जो सफेद वस्त्र को पहनते हैं, जो सफेद आभूषण या अलंकार पहनते हैं, और क्या है, जिनके 10 घोड़े हैं, जो 10 घोड़े के रथ पे सवार होकर चलते हैं। कल हमने सूर्य के बारे में पढ़ा तो क्या पढ़ा, वो कितने घोड़े के रथ पे सवार चलते हैं? 7। यहाँ 10। हाँ आप स्वयं बताइए, जिस रथ में 7 घोड़े लगे हों और जिस रथ में 10 घोड़े लगे हों, तेज कौन चलेगा? तेज तो वही चलेगा जिसके पास ज्यादा शक्ति है। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य से तीव्र है, तेज चलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिनके हाथ में एक, जिनके 2 हाथ हैं और एक हाथ में गदा है, जो तीनों वर्णों में श्रेष्ठ हैं, जो तीन वर्ण हैं, तीनों वर्णों में श्रेष्ठ। तीन वर्ण किसे उन्होंने लिया? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो गुण में हम देखेंगे तो चंद्रमा क्या आ जाएगा, गुण में वो आता है सत्वगुणी है, सात्विक है, परंतु जब हम जाते हैं वर्ण में तो वर्ण में क्या आ जाएगा, वो वैश्य में आ जाता है। वो भी कौन सा? वैश्य आता है। तो यह तीनों वर्णों में भी इन्हें श्रेष्ठ रखा गया है। पुनः वो लिखते हैं, दधि शंख तुषाराभम क्षीरो दार्णव संभवम नमामि ससिमम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। इस मंत्र की रचना किसने की है? जब आप नवग्रह स्तुति पढ़ेंगे तो दूसरा मंत्र यहाँ मिलता है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, वेद व्यास जी ने कब रचना की? द्वापर में रचना की है, द्वापर युग में इसकी रचना की गई है। उसके अंतर्गत ही उन्होंने लिखा, दधि शंख तुषाराभम, मैं उस चंद्रमा को प्रणाम करता हूं जिनका रंग कैसा है, दही के समान है, और कैसा है, शंख के समान है। वो कहाँ से है? क्षीरो दार्णव संभवम। क्षीरो दार्णव संभवम अर्थात वो कहते हैं जो क्षीर सागर, क्षीर सागर क्या, दूध के सागर से निकले हैं, जिस क्षीर सागर में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, उस क्षीर सागर से वो निकले हैं। जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षीरो दार्णव संभवम, और जो अमृत के रूप में कहाँ विराजमान है, भगवान शीश के मस्तक पे सुशोभित हैं या अलंकृत हैं, उस चंद्रमा को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंत्र की रचना वेद व्यास जी ने की। अब चंद्रमा को किससे कनेक्ट किया जा रहा है? चंद्रमा को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? अमृत से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब चंद्रमा को हम अमृत से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा अमृत का पान किसने किया था, अमृत का पान किसने किया था? राहु केतु ने, जिसके कारण वो अमर हो गए। तो यदि आपको राहु को बैलेंस रखना है, राहु को ठीक अवस्था में रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? कुछ विशेष नहीं, अपने भावनाओं को, आपकी जो भावना है उसे आप बैलेंस कर लीजिए, आपका राहु जहां भी स्थित है वो घर आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो एक और यहाँ उपाय दे रहे हैं हमें, क्या दे रहे हैं, कहाँ वो विराजमान है, भगवान शिव के मस्तक पे, और वो कौन से चंद्रमा है, दूज के चंद्रमा, दूज का चंद्रमा अर्थात
जो टेढ़ा चंद्रमा है, जो टेढ़ा चंद्रमा ही भगवान शिव के पास जाकर अच्छी अवस्था में हो जाता है, जो पूजनीय हो जाता है, जो पूजा के लायक हो जाता है, किसके पास जाकर? भगवान शिव के पास जाकर। तो यदि हम शिव की आराधना करते हैं तो चंद्रमा हमारा क्या होगा? बैलेंस अवस्था में हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पुनः इनका एक नाम है, वो नाम क्या है? मनह कुमुद। मनह कुमुद अर्थात ये किसके कारक है? मैंने सबसे पहले आपको बताया यह चंद्रमा के कारक है। मनस तथा अर्थात यह पुनः मन के कारक है, अर्थात आपके कुंडली में जहां भी मन चंद्रमा बैठा हो वो भाव आपका ऐसा है जो आपको सेंसिटिव भी बना सकता है, आपको इमोशनली इनबैलेंस भी कर सकता है या बैलेंस भी कर सकता है। यदि आप इनबैलेंस हो जाते हैं इमोशनली किसी भी प्रकार, तो आपके कुंडली के अंतर्गत जहां भी चंद्रमा बैठा है वो घर क्या हो जाएगा? वो खुद इनबैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपके कुंडली में सप्तम में चंद्रमा है तो सातवां भाव आपका रिलेशनशिप है। जैसे ही आप इनबैलेंस होते हैं, भावना आपकी जो है वो अस्थिर होती है, तो क्या होगा? आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बिजनेस है, वो क्या होगा? इनबैलेंस हो जाएगा। यदि आपका रिलेशनशिप किसी प्रकार खराब होता है तो क्या होगा? आप भावनात्मक रूप में क्या हो जाएंगे? अस्थिर हो जाएंगे, आप इनबैलेंस हो जाएंगे भावनात्मक रूप में। तो ज्योतिष को जब हम पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष में तीन आधार बताए गए हैं। तीन आधार क्या क्या हैं? एक कुंडली या वर्ग कुंडली, जो षोडश वर्ग है, ये जो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली हमारी होती है वह। दूसरा योग, जो योग हमारे कुंडली में अच्छे या बुरे योग बन रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? दशा। जब दशा की हम गणना करते हैं तो दशा का हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से वो होता है कि हमारा जो सिचुएशन है वो क्या चल रहा है, या जो हमारी स्थिति चल रही है वो क्या चल रही है, वो क्या है? हमारी दशा है। अरे यार, मेरी जो दशा है वो कुछ ठीक नहीं चल रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो चंद्रमा ही दशा का निर्धारण करता है। जो चंद्रमा हमारे कुंडली में है वही दशा को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका जब जन्म होता है तो आपके जन्म के बाद दशा का निर्णय कौन करता है? चंद्रमा करता है। कैसे करता है? आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ और उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसकी दशा आपके जीवन में प्रारंभ होती है। अश्विनी नक्षत्र केतु का है। यदि आपका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, अर्थात आपका जब जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा यदि केतु के अश्विनी नक्षत्र में है, तो क्या होगा? आपके कुंडली में दशा किसकी चलेगी? केतु से चलेगी। और मान लेते हैं कि आगे जाकर आपके कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आपको बुध एक अच्छी दशा को दे रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे समय को बुध आपके जीवन में लाकर दे रहे हैं। अब जो बुध का समय आएगा वो कब आएगा? केतु की दशा में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो केतु का दशा आपका जीवन में पहला लगा है, तो बुध का दशा आते आते आपका जीवन पार हो जाएगा, या फिर हम कहें तो 70-80 के आयु में आपका बुध की दशा आएगी। और बुध आपके कुंडली में जो आपने योग पढ़े हैं, योग कारक योग, या फिर जो धन योग, अष्टलक्ष्मी योग, ये योग यदि बुध बना रहा है आपके कुंडली में तो क्या करेगा? वो इस स्थिति में आपकी कुंडली रहेगी कि भाई योग तो आपके कुंडली में रहेगा लेकिन वो योग फलीभूत नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी दशा ही नहीं रहेगी। अब उसका निर्णय कौन कर रहा है? आपका चंद्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा एक ऐसा प्लानेट है जो आपके दशा का निर्धारण करता है, अर्थात आपकी पूरी कुंडली जो है ना वो चंद्रमा के वशीभूत होती है। यदि यही बुध से पहले किनकी दशा आती है बताइए? शनि 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 की। शनि का एक नक्षत्र है पुख नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। यदि उत्तरा भाद्रपद या पुख नक्षत्र में आपका जन्म हो गया और बुध की जो दशा है आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है, शनि के बाद किसका किसका दशा आपके जीवन में लगेगा? बुध का लगेगा।
तो अब आप बताइए कि आपके लिए वो कौन श्रेष्ठ है, कौन सा दशा आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा? केतु के नक्षत्र में जन्म आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा या फिर आपका शनि के नक्षत्र में जन्म आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा? यह कौन तय करेगा? वो चंद्रमा तय करेगा। तो हमारा जो सिचुएशन है, जो हमारी दशा है, वो पूर्णतः चंद्रमा पे ही निर्धारित होती है। चंद्रमा का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण बुद्ध का भी वैश्य वर्ण है और चंद्रमा का भी वैश्य वर्ण है। लेकिन बुद्ध जो है वो प्रैक्टिकली है, अर्थात कि मैंने इतने में सामान लिया है तो मैं आपको उतने में ही बेचूंगा। बुद्ध अपने प्रॉफिट को देखता है। जैसे मैंने 100 का कोई सामान लिया है और उसे में मुझे 10 रुपए आपसे लेने हैं, तो मैं 110 का ही आपको बेचूंगा। मैं 100 पे नहीं आपको बेच सकता हूँ, 102 पे मैं आपको नहीं बेच सकता हूँ। मैंने निर्धारित किया कि मुझे इससे 10 रुपए लेने हैं तो मैं आपसे ले लूंगा, ये बुद्ध है। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उदार वैसे है। उदार अर्थात यह ऐसा है जो देखेगा कि अरे 100 का हमने लिया है तो चलो 2 रुपए जो है मुझे मिल जाए, इसके भी 2-4 रुपए बच जाए, 105 में 102 में इसे दे दो। अब ऐसा क्यों है? जब गुण पे जाते हैं, तो गुण क्या है इसका? सात्विक गुण है। सात्विक गुण होने के कारण यह उदार है। सात्विक गुण होने के कारण यह क्या है? उदार है। बुध कौन सा गुण है? बुध जो है वो राजस है। उसे क्या चाहिए? राज्य चाहिए। उसे वो सारी सुख सुविधा चाहिए जो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वो समझौता नहीं करेगा बुध। लेकिन चंद्रमा क्या है? समझौता कर लेगा, उदार वैसे है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा को साधना किसी भी स्थिति में कठिन हो जाता है। सबसे गति से चंद्रमा चलते हैं। चंद्रमा मन के कारक है। अभी आप लोग कक्षा में बैठे हैं, लेकिन अभी आप सभी का मन कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। जैसे मैं यदि बोल दूं कि भाई कोई ऐसे स्थान का नाम ऑस्ट्रेलिया या कोई भी, तो आपका जो मन है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है, आपका जो मन है वो फ्रांस पहुंच चुका है। इस नाम को सुनते ही फ्रांस की क्या छवि है, क्या आपने देखा है किसी भी प्रकार से, वो आपको दिखने लगेगी। तो वो मन है, वो चंद्रमा है जो इतनी गति से चलता है। तो इसे साधना हमारे जीवन के अंतर्गत अत्याधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा का निर्णय हम विशेष रूप में कैसे करेंगे? विशेष रूप में चंद्रमा का निर्णय करने के लिए, अर्थात चंद्रमा जो है वो कुंडली के अंतर्गत कैसे रिजल्ट को देंगे, इसका निर्णय करने के लिए मान लेते हैं कि आपके कुंडली में बुध और चंद्रमा बैठे हों या शुक्र और चंद्रमा बैठे हों। शुक्र की जो डिग्री है वो 10 है, चंद्रमा की डिग्री जो है वो 9 है। शुक्र क्या है? आपका प्रॉपर्टी है, आपकी पत्नी है, आपका पैसा है। चंद्रमा क्या है? उदार है। चंद्रमा क्या है? उदार है। यदि चंद्रमा की डिग्री 9 है और आपके शुक्र की डिग्री 10 हो गई, तो क्या करेगा? आपकी पत्नी को उदार बना देगा, आपकी पत्नी को उदार बना देगा। ठीक है, यदि शुक्र की डिग्री कम हो गई और चंद्रमा की डिग्री ज्यादा हो गई, तो आपकी पत्नी को क्या बना देगा? वो मेंटल बना देगा, पागल घोषित कर देगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस ग्रह की डिग्री कम होगी हमारे कुंडली में, जिस भी ग्रह की डिग्री, मान लेते हैं किसी एक युति की हम बात की अभी, किसकी? चंद्रमा और शुक्र की। तो इसमें जिस ग्रह की डिग्री कम होगी वह अपने से अधिक डिग्री वाले ग्रह को अपना गुण धर्म दे देगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चंचल है। व्यक्ति पागल क्यों होता है या फिर मेंटल जो उसकी स्थिति ऐसी होती है क्यों होती है? क्योंकि इमोशन ज्यादा और उसके साथ क्या, चंचल है ना, चंद्रमा चंचल है। चंचल होने के कारण यह क्या करेगा? अभी आप कुछ कर रहे हो, 2 मिनट फिर आप कुछ और करने लगोगे, फिर 2 मिनट बाद आप कुछ और करने लगोगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। बुध चंद्रमा की युति रहेगी। बुध क्या है? बिजनेस है। चंद्रमा क्या है? उदार है। यदि चंद्रमा की डिग्री कम है, बुध की डिग्री ज्यादा है, तो वो क्या करेगा?
आप जो बिजनेस करेंगे आप उसमें आपको उदारता आएगी। चलो ठीक है यार, दे देते हैं, जाने दो, इतने में ही देंगे, 2 रुपए बच जाएंगे, मुझे भी हो सके उसका भी कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन यदि चंद्रमा की डिग्री ज्यादा होगी, बुध की डिग्री कम हो गई, तो बुध अपने गुण धर्मों को किसे दे देगा? चंद्रमा को दे देगा। अब जो चंद्रमा उदार था, वो चंद्रमा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकली हो जाएगा कि भाई इतने में मैं आपको दूंगा तो इतने में ही दूंगा, उससे कम मैं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति चंद्रमा की बन जाएगी। तो इसे आप युति पे भी लगाएंगे और खास करके चंद्रमा के लिए मैंने कहा है। चंद्रमा के अब कुछ कारक हैं। कारक क्या है? जैसे चंद्रमा कफ है, चंद्रमा बुद्धिमान है। कफ क्यों है? कफ कैसे निर्माण होता है हमारे कुंडली में? जल जल से। के तो कारण जल तत्व कौन है? चंद्रमा है। जल का कारक कौन है? चंद्रमा है। तो कफ हमारे अंदर कौन देता है? चंद्रमा देता है। बुद्धिमान भी है चंद्रमा, इसके पास बुद्धि भी है। चंचल स्वभाव, बुद्धिमान। बुद्धिमान का तात्पर्य है, यदि आप केपी को पढ़ते हैं तो केपी में शिक्षा के भाव को हम किस भाव से लेते हैं? चौथे भाव से लेते हैं। शिक्षा को हम केपी कुंडली के कुंडली पद्धति के अनुसार शिक्षा को हम चतुर्थ भाव से लेते हैं। तो चतुर्थ भाव का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। ठीक है, चंद्रमा में ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जल में आप कुछ भी मिला दीजिए, वो मना नहीं करेगा आपको कि हाँ भाई ये मुझमें एक कलर क्यों मिला रहे हो, मुझमें ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चंद्रमा जल है, वैसे ही चंद्रमा में ग्रहण करने की शक्ति क्या है? ज्यादा है। ये किसी चीज को ग्रहण कर सकता है, तो ये बुद्धिमान भी है। इसका स्वभाव क्या है? चंचल स्वभाव है। साथ ही इसकी इच्छा बहुत ज्यादा होगी, अधिक इच्छा वाला है। इसे हम क्या कहेंगे? कामातुर है। इसकी इच्छा बहुत है। यदि ये 3 साथी 11 में बैठ गया, यदि ये 3 साथी 11 टाइम में बैठ गया है, तो 3 साथी 11 क्या है? कामातुर है, काम है। ठीक है, हमारी कामनाएं हैं। 3 साथी 11 जो टाइम है वो क्या है? कामातुर है, काम है। तो और वहां चंद्रमा चला गया तो वो क्या करेगा? वो हमारे जीवन के अंतर्गत जो हमारी इच्छाएं होंगी उससे हम इमोशनली जो है वो हर्ट भी हो जाएंगे, कभी कभी अच्छे भी हो जाएंगे। हमारी जो कामना, यदि 3 में आपका चंद्रमा है, 7 में, यदि 11 में चंद्रमा आपका है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है तो आप बहुत अच्छे हैं। आपके यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आप 10-20 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए आप इन इमोशनली आप क्या हो जाएंगे? इनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। एक पास 9 टाइम में यदि चंद्रमा गया है तो वो क्या धर्म त्रिकोण है। अब धर्म त्रिकोण में यदि चंद्रमा गया है तो वो क्या कराएगा आपसे? धर्म के लिए आप खड़े होंगे, अपने पिता के लिए आप खड़े होंगे, अपनी शिक्षा के लिए आप खड़े होंगे, आपका मन वहां होगा। और जब वो ये चीजें आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? आप उदास हो जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे। आप पिता के लिए, यदि नवम भाव में चंद्रमा गया है तो आप पिता के लिए भावुक हो जाएंगे, पिता को लेकर आप बहुत भावुक रहेंगे। साथ ही यदि आपका चंद्रमा पंचम में गया है तो आप अपने शिक्षा के लिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, तब भी वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं उन्हें शिक्षा मिल जाए। पुत्र के लिए, अपनी पहली संतान के लिए आप भावुक रहेंगे। 2, 6, 10 में यदि चंद्रमा है तो ये क्या है? अर्थ त्रिकोण है। पैसे के लिए, आपका पैसा जो है ना वो आपके मूड को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। 4, 8, 12 क्या है? अध्यात्म है या मोक्ष है। 4, 8, 12 क्या है? अध्यात्म है या मोक्ष है, या हम कहें तो 4, 8, 12 दैन्य भावना है, अर्थात देने की भावना जो हमारे अंदर होती है वह है। आपकी कुछ इच्छा होगी कि मैं किसी को किसी प्रकार कुछ हेल्प करूं, मैं किसी को दान कर दूं कुछ, और वो आप नहीं कर पाओगे तो आप बोलेगा अरे यार मैंने क्या किया। फिर चंद्रमा क्या है? सोच विचार। हमारे जो विचार हमारे चलते हैं वो चंद्रमा है। आपने विचारों को महसूस किया होगा, अभी आपके मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ और विचार आ जाएंगे, वो चंद्रमा है। जो राज्य की सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो चंद्रमा है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन है? शुद्र है।
तो स्टेट गवर्नमेंट कौन हो जाएंगे? चंद्रमा हो जाएंगे। इसे फिर शुभ कहा गया है, शुभ दृष्टि भी चंद्रमा को हम कहते हैं। शुभ दृष्टि कहने का तात्पर्य, यदि चंद्रमा अच्छे स्थिति में आपके कुंडली में विराजमान है, बैठे हैं, चंद्रमा इफ्लेक्टेड नहीं है, जो हम देखते हैं कि भाई त्रिशराय नहीं है, उस स्थिति में भी चंद्रमा यदि कहीं भी दृष्टि डालते हैं तो कैसा दृष्टि वहां जाता है? शुभ दृष्टि जाता है। अर्थात मान लीजिए आपके कुंडली में चतुर्थ में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा शुभ स्थिति में है, चंद्रमा की जो सातवीं दृष्टि है वो दशम भाव पे जा रही है, तो वो क्या बता रहा है कि आपके प्रोफेशन में चीजें जो है वो अच्छी होंगी, क्योंकि वो शुभ ग्रह है, शुभता को प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है? दृष्टि से। जहां बैठेगा वो तो देगा ही, लेकिन जहां दृष्टि भी चंद्रमा की जाएगी उस स्थान को वो शुभ बना देगा। लेकिन कब? जब वो पीड़ित अवस्था में नहीं है, या फिर जब वो त्रिशराय आदि नहीं है। यदि त्रिशराय भी है, तो यदि पीड़ित अवस्था में है तो आपको समस्या देगा, यदि वो त्रिशराय है और पीड़ित अवस्था में नहीं है तो आपको समस्या वो नहीं देगा। फिर चंद्रमा कारक है भोजन का, हम कैसा भोजन लेते हैं उसका भी कारक चंद्रमा है। हाँ जैसे एक शब्द को बार बार कहा जाता है, आपने घर में सुना होगा, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब चंद्रमा क्या है? सात्विक है। सात्विक को लहसुन प्याज, जो सात्विक होते हैं वो लहसुन प्याज इन सब चीजों से बहुत दूर होते हैं। इन्हीं वजह के कारण कहा जाता है कि लहसुन प्याज या फिर जो तामसिक चीजें हैं उसका सेवन हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। उसका सेवन हम करते हैं तो क्या खराब होता है? चंद्रमा खराब होता है। यदि आपके कुंडली में किसी प्रकार चंद्रमा खराब हो, आप मात्र 30 दिन तक लहसुन प्याज छोड़ के देखिए, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी घटित होते आपके जीवन में दिखेगी, क्योंकि वो भोजन का कारक है चंद्रमा। हम जो खाते हैं उसका कारक चंद्रमा है। तो यदि हम कुछ वैसा खा लिए तो उसके बाद भी हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है, हमारा जो मन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। जो हमें नहीं खाना चाहिए उसका यदि हम सेवन करते हैं तो भोजन माँ का कारक चंद्रमा है। प्रकृति जो नेचर है उसका भी कारक चंद्रमा है। प्रकृति षष्ट्यांश कुंडली जो होती है, षष्ट्यांश कुंडली पे आगे कभी हम बात करेंगे, षष्ट्यांश कुंडली में सूर्य चंद्र और गुरु से एक योग का निर्माण होता है। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य पुरुष है। चंद्र क्या है? चंद्र प्रकृति है। चंद्र क्या है? चंद्र प्रकृति है। गुरु क्या है? ईश्वरीय कृपा है। तो यदि आपकी षष्ट्यांश कुंडली के अंतर्गत यदि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर गुरु की किसी प्रकार दृष्टि बन रही हो या संबंध बन रहा हो, तो यह आपके लिए एक विशेष ईश्वरीय कृपा दिखाता है। अर्थात विशेष रूप में आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। ईश्वरीय कृपा तो आपको ही प्राप्त है, हमें प्राप्त है, सभी को प्राप्त है, लेकिन विशेष रूप में ऐसे जातक को ईश्वर की कृपा या ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, जिसके षष्ट्यांश कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही हो। फिर चंद्रमा क्या है? सोसाइटी भी है। हमारा समाज भी चंद्रमा है। हम जो यात्रा करते हैं वो भी चंद्रमा है। भावना भाव हमारे केतु हैं, लेकिन भावना जो है वो चंद्रमा है। गोलमटोल यदि आप किसी के लग्न में चंद्रमा को देख लीजिए तो आपको दिखेगा वो जो व्यक्ति है ना वो गोल मटोल है। वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको लगेगी कि सेम ही है। गोल मटोल होगा, हेल्दी होगा, शरीर की बनावट जो होगी वो अच्छी होगी। और मधुर वाणी, चंद्रमा क्या है? मधुर वाणी को देता है, मधुर वाणी वो दे रहा है। मधुर वाणी का जो तात्पर्य है वो यह है, वो व्यक्ति मधुर बोलेगा। अब कुछ लोग इतने भी मधुर बोलते हैं, एक मिनट का समय दीजिएगा।
कुछ लोग जो है वो इतना मधुर आपसे बोलेंगे, लगेगा कि भाई आपको डायबिटीज हो जाएगी। अब क्यों? चंद्रमा क्या है? कामातुर है, अर्थात अपनी कामना। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मधुर आपसे बोल रहा है, समझ लीजिए उसकी कुछ कामना है जो आपसे फुलफिल कराना चाहता है, आपसे चाहता है कि आप उसकी कामनाओं को पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलती है। जब भी आपके कुंडली में चंद्रमा की महादशा आती है तो वो क्या देता है आपको? आपको आप भावनात्मक रूप से या तो बैलेंस रहोगे या इनबैलेंस हो जाओगे जब चंद्रमा की अच्छा महादशा आएगी। क्योंकि महादशा जब आती है तो वो अपने कारक तत्वों को एक्टिव करते हैं। फिर चंद्रमा क्या है? परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है। तो जब चंद्रमा की महादशा आपके जीवन में आएगी तो आप यह देखोगे कि आपने स्थान परिवर्तन किया है, या आपका ट्रांसफर हुआ है, या फिर आप अपने व्यवसाय अर्थात अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप किसी रूप में परिवर्तन किए हैं। चंद्रमा जिस भी भाव में होगा उस भाव से संबंधित आपको क्या देता है? भावुक कर देता है। कब करेगा यह? जब चंद्रमा की महादशा आएगी। चंद्रमा चतुर्थ में यदि बैठा है, आपकी क्या इच्छा होगी? क्योंकि कामना भी है ना, आपकी इच्छा होगी प्रोफेशन अच्छी हो जाए। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि दशम भाव पे जा रही है, आपकी इच्छा होगी भाई थोड़ी अच्छी गाड़ी और मिल जाती, और अच्छी गाड़ी मिल जाती, घर तो ठीक है दो और घर मिल जाते मुझे। ठीक है, बहुत सारी आपकी इच्छाएं आ जाएंगी। और जब वो इच्छा पूरी आपकी नहीं होगी तो क्या होगा? आप कष्ट में आ जाओगे, फिर आपको लगेगा अरे यार क्या हो गया हमारे साथ। चंद्रमा यदि दशम में है तो भी वो ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में लाकर खड़ा करेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है वो चंद्रमा की चौथे पे जा रही है, वो स्वयं दशम में बैठा है। चंद्रमा यदि पंचम में बैठा है तो वो क्या दे रहा है? पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव लव अफेयर, पांचवा पांचवा भाव जो है वो आपकी शिक्षा भी है। अब जब चंद्रमा की महादशा आई है तो ये आपको दोनों दे रहा है, आपको लेना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्या लोगे उससे वो आप समझ सकते हो। जो लव अफेयर है वो हमारे जीवन में वो मायने नहीं रखता है जो हमारे जीवन में शिक्षा मायने रखती है। जैसे चंद्रमा सप्तम में है तो आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होगे, और एक पति पत्नी के संबंध की बात यहाँ नहीं है, किसी प्रकार के रिलेशनशिप को लेकर, भाई का संबंध हो, बहन का संबंध हो, माँ का संबंध हो, किसी प्रकार का कोई भी संबंध हो, उस संबंध वो जो संबंध है ना, आपको एक शब्द बोलते हैं छने रुष्टा छने तुष्टा, अर्थात वो तुरंत रुष्ट भी हो जाएगा और तुरंत वो अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति लाकर देगा आपके जीवन के अंतर्गत जब चंद्रमा की दशा आपके जीवन में आएगी। यदि सप्तम में है तो वो आपके किसी भी रिलेशन को डैमेज करेगा, और उससे आपको क्या होगा? भावनात्मक आपके जीवन में कष्ट आएंगे, आप भावनात्मक क्या होंगे? इनबैलेंस हो जाएंगे। चंद्रमा यदि 12वें में है, 12वां भाव क्या है? दान है। 12वां भाव क्या है? मोक्ष है। वहां कौन गया है? मन गया है। अब मन यह कह रहा है कि भाई आप किसी भी प्रकार, मन यह कह रहा है कि आप किसी भी प्रकार अपने जीवन में यदि दान कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज का दान कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज का दान कर रहा है, यदि हम अभी आपको हम कुछ दान करने के लिए बैठे, यदि आपको हम पढ़ा रहे हैं, यदि हमारे मन में यह विचार आ जाए कि मैं इन चीजों को बचा दूं या इन चीजों को मैं इन्हें नहीं दूं, तो इससे क्या होगा? हम खुद अनबैलेंस हो जाएंगे। कैसे? भावनात्मक रूप में, क्योंकि मेरे कुंडली में चंद्रमा कहाँ है? 12वें में बैठा है। यदि मेरे कुंडली में चंद्रमा 11वें में बैठा है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। 11वां भाव क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका समाज है।
तो वहां से भी आपको पीड़ा मिल जाएगी। इसी प्रकार आपका जो फ्रेंड है वो आपको दुखी करके चला जाएगा। अब उससे दुखी होना है या नहीं होना है वो आप पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल ग्रहों पे डिपेंड नहीं है। ग्रह हमें हमेशा दो चीज देते हैं, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी। हम उनसे ले क्या रहे हैं वो हमारे ऊपर है। चंद्रमा आपके दूसरे में है, पैसा है, आपका संस्कार है, आपका कुटुंब है, कुटुंब अर्थात जो परिवार है आपका, उससे भी आप क्या हो जाएंगे, भावनात्मक रूप में इनबैलेंस हो जाएंगे किसी भी प्रकार। सर अभी आप बता किसी रहे थे भी बारहवें क्या में मून, बारहवें बताए। में मून का बता रहे थे कि आप किसी भी प्रकार अपने जीवन में यदि दान कर रहे हैं आगे तय। आप किसी भी प्रकार अपने जीवन में दान कर रहे हैं और उस दान को आप कर रहे हैं कि नहीं, जैसे आप कुछ भी दान कर रहे हो, मान लेते हैं हम किसी को आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, अब उसने आपसे मांग लिए कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आपको लौटा दूंगा, वो तो अलग है, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं इसे 5 रुपए दूं, फिर आपकी इच्छा हो गई, नहीं, मैं इसे 3 ही दूंगा, 2 रुपए मेरे काम आ जाएंगे, तो वहां आपने क्या किया कि अपने आप को इनबैलेंस कर लिया। अब आप रास्ते भर सोचते जाओगे, अरे मैंने 2 रुपए क्यों बचा लिए, मुझे दे देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि एक तो आ गया लेट को कि मुझे देना है, और पुनः एक विचार आया कि नहीं मैं 2 रुपए बचा लूं, तो 12वें में चंद्रमा है तो वो क्या कर रहा है, दे दो बचाओ मत, क्योंकि 12वां भाव क्या है, दान है, आप दे दो उसे, बचाना नहीं है, यहां बचा लोगे तो समस्या आ जाएगी। चंद्रमा नवम में है तो नवम भाव क्या है, आपके पिता हैं, आपका भाग्य है, आपका धर्म है। अब धर्म को लेकर यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आकर बोले कि भाई राम जो है वो तो काल्पनिक हैं, तो आप क्या करोगे, आप इनबैलेंस हो जाओगे, अरे ऐसा बोल दिया उसने, ये कर दिया, वो कर दिया, या पिता के बारे में कोई आकर बोल गया तो आप इनबैलेंस हो जाओगे तुरंत। या फिर धर्म का कोई आप काम कर रहे हो उसमें किसी प्रकार आपको त्रुटि मिल गई, अर्थात उसमें आपसे कोई चीज छूट गया, तो वहां आप इनबैलेंस हो जाओगे, अर्थात आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है उससे, उस भाव से संबंधित आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप भावनात्मक रूप से उस भाव से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं जहां भी आपका चंद्रमा बैठा हो। अब चंद्रमा के दो स्वरूप हैं, या फिर किसी भी ग्रह के दो स्वरूप हैं, क्या है, एक जो है वो कारक, जैसे मेरी कुंडली है, आपकी कुंडली है, सबके कुंडली में चंद्रमा क्या है, मन है, लेकिन अब वो निर्भर करता है भावेश के ऊपर। मान लीजिए चंद्रमा चौथे का स्वामी बन गया तो वो तो अच्छी स्थिति में है, यदि वो तीसरे का स्वामी बन गया वो त्रिषडाय हो गया, छठे का स्वामी बन गया तो वो त्रिषडाय हो गया, 11वें का स्वामी बन गया तो वो त्रिषडाय हो गया, यदि वो चौथे का स्वामी होकर सातवें में आ गया, चौथा भाव मन है, माँ है, वो कहाँ गया, आपके रिलेशनशिप में गया है, ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह है यदि आपकी चंद्रमा को बैलेंस आप नहीं रखते हो तो आपको वो रिलेशनशिप को तो कष्ट पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएगा ही, अब रिलेशनशिप का जो जड़ और जीव, जो जड़ है आपके रिलेशनशिप का, वो क्या है, चौथा भाव है, तो आपके चौथे भाव को भी उतना ही कष्ट पहुंचाएगा। यदि आपको अपने चौथे भाव को, अपने भूमि भवन वाहन माँ इन सबको व्यवस्थित रखना है अपने जीवन में, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने चंद्रमा को ठीक रखने के लिए इमोशनली अपने आप को ठीक रखना होगा। यदि आपका 10वें का स्वामी चंद्रमा है, अब आपके काम पे किसका प्रभाव जाएगा, चंद्रमा का प्रभाव जाएगा, आप यदि इमोशनली किसी भी प्रकार डैमेज होते हैं तो वहां आप डैमेज नहीं हो रहे हैं, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो कर्म है वो डैमेज हो रहा है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा है, यदि किसी प्रकार आप, पांचवे भाव का स्वामी चंद्रमा है और वो जाकर नवम में बैठ गया या दशम में बैठ गया है तो क्या स्थिति होगी, आप डैमेज होंगे, यदि आप इमोशनली डैमेज होते हैं
तो क्या करेंगे आप, अपने व्यवसाय अर्थात अपने कर्म को डैमेज करेंगे और उसके साथ साथ आप अपनी शिक्षा को भी डैमेज कर लेंगे। आपने देखा होगा यदि हम भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार दुखित हो जाते हैं या हमारी जो भावना है वो किसी भी प्रकार कष्ट में आ जाती है, तो वहां हम क्या करते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं कि प्रमुख कुछ कुछ चीजों पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ कुछ चीजों में सभी काम को कर रहे होते लेकिन प्रमुख कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है इस पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम कहते हैं यार जान दो, छोड़ो, अभी दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, दिमाग खराब है, थोड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस घर को डैमेज कर रहे हैं जो घर चंद्रमा रूल कर रहा होता है। तो वो हम भावेश से देखेंगे, भाव के स्वामी से देखेंगे कि चंद्रमा जिस भाव को आपकी कुंडली में रूल कर रहा है उस भाव संबंधित आपके जीवन में यदि आप इमोशनली किसी भी प्रकार कष्ट में आते हैं तो वो भाव भी आपका कष्ट में आएगा। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। तो प्रयास यदि आपको चंद्रमा को ठीक रखने की आवश्यकता है, कोई यदि आपके पास आकर प्रश्न कर रहा है कि भाई मैं तो मुझे तो इच्छा होती है मैं मर जाऊं, मेरा मूड जो है बहुत स्विंग होता है, मैं क्या करूं, तो इसके लिए सबसे पहले आप रेमेडी यही देंगे उसे कि भैया भोजन जो है उसे सबसे पहले ठीक कर लो, भोजन सबसे पहले ठीक कर लो। जैसे ही भोजन ठीक होगा तुम बहुत बैलेंस हो जाओगे, बहुत हद तक तुम अच्छी स्थिति में आ जाओगे। क्योंकि मन है चंद्रमा और सात्विक है, सत्व है। सूर्य चंद्र और गुरु क्या है, हमारे ग्रहों में क्या है, सात्विक है। तो इन्हें ठीक रखना है यदि आपको अपने जीवन में है तो सात्विक गुणों को अपने अंदर अंदर संचार कीजिए, सात्विक गुणों को अपने अंदर लेकर आइए, आपका सूर्य भी ठीक होगा, चंद्रमा भी ठीक होगा और गुरु भी ठीक होगा। क्योंकि गुरु क्या है, जीव कारक है। जीव कारक अर्थात हम जो जीव हैं इसके कारक गुरु हैं। सूर्य क्या है, हमारी आत्मा का कारक है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। क्या इनसे भी बड़ा कोई डोमेन है हमारे जीवन में, आत्मा मन या जीव कारक, इससे कोई बड़ा तो कोई हमारे जीवन में नहीं है। तो इसे ठीक रखना है, तो सात्विक गुणों को हमें अपने अंदर अवश्य लाना होगा। इनकी राशि आप लोगों को सभी को पता है, इनकी जो स्वराशि जो इनकी अपनी राशि है वो कर्क है। ये उच्च में कौन से राशि में होते हैं, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, नीच किस में होते हैं, या जब वृश्चिक राशि में चले जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। मूल त्रिकोण यदि ये वृषभ में गए हैं तो क्या हो जाएंगे, मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। सर, मकर क्या राशि में चंद्र नीच के होते हैं? मकर में नीच के होते हैं, नहीं राशा जी ने तो कहा है कि भाई नहीं वृश्चिक सर, होते सॉरी, हैं। मंगल। राशा जी ने तो कहा कि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में नीच के होते हैं, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण क्या है, एक मिनट रुक जाते हैं, और किन्हीं का कोई ऐसा है कि चंद्रमा जो है वो किस में नीच के होते हैं, बताइएगा पुनः आप लोग। चंद्रमा गुरु जी वृष में तो उच्च के और वृश्चिक में नीच के। एक बात सदैव याद नहीं सर, रखिएगा, जैसे जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का हो रहा है तो उससे सातवीं राशि में वो नीच का होगा, वो तय है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि भाई वो नीच के हो रहे हैं या उच्च के हो रहे हैं। जैसे सूर्य जो है वो मेष में उच्च के होते हैं तो तुला में वो नीच के हो जाते हैं, शनि जो है वो तुला में उच्च के होते हैं मेष में वो नीच के हो जाते हैं। तो सात, इसे सिर्फ अपने जीवन में याद रखिएगा कि अपने जिस राशि में वो उच्च के हो रहे हैं उससे ठीक सातवीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं, ठीक कुछ है। याद रख ले, हम तो कुछ याद कक्षा रख ले, पे नीचे देख लेंगे। सर विशेष ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सॉरी सर, सॉरी सॉरी, इनकी दृष्टि आप आपका सभी क्या को गुरु है?
इनकी गुरु आ गए दृष्टि, इसी से। ठीक है ठीक है, इनकी जो दृष्टि है वो सात्विक दृष्टि है, आप सभी को पता है। इनका गुण मैंने अभी दो चार बार बताया ही है। इनका गुण क्या है? सत्वगुणी प्लैनेट है, अर्थात सत्व गुण इनके अंदर विराजमान होता है, सत्वगुणी। और सत्वगुणी देवता कौन है? सत्वगुणी देवता कौन है? भगवान विष्णु है। तो आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु की ही आप पूजन करेंगे, या भगवान विष्णु के मंत्र का भी आप जप करेंगे, तो आपके अंदर एक सत्व गुण का संचार होता है। ठीक, आगे अवतार में यदि हम बात करते हैं, जैसे सूर्य को किससे जोड़ा गया है? श्री राम से जोड़ा गया है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से चंद्रमा को जोड़ा गया है। तो यदि आप चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं, या चंद्रमा किसी प्रकार आपके कुंडली में इनबैलेंस स्थिति में है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण के मंत्र जप करने की आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण के पूजा की आवश्यकता है, उनके बारे में कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, भगवद गीता को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करेगा? वो आपके अंदर सत्व गुणों का संचार करेगा, जिससे आपका जो चंद्रमा है वो खुद स्वतः ठीक हो जाएगा। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंचल है। चंचल अच्छा स्वभाव क्या है? इनका जेंडर कौन सा है? स्त्रीलिंग है। वर्ण क्या इनका है? मैंने क्या वर्ण बताया, बताइएगा पुनः। वैसे कैसे सर, वैसे वैसे हैं? ये सर उदार वैसे हैं, श्वेत। उदार हैं। इनका रंग कौन सा है? तत्व क्या है? जल तत्व तत्व है, जल तत्व है। बस जल तत्व। जल तत्व कारक किसके हैं? कारक किसके तारक हैं? मन के, मन मन के, के, मन माता और में। मन माता जो है मन वो के का संबंधी है, कारक जो है वो मन के कारक है। जैसे मन के कारक है। सूर्य आत्मा का कारक है, वैसे ही चंद्रमा जो है वो मन के कारक है। यह जो है वो उत्तर दिशा में, अर्थात इनकी जो दिशा है वो उत्तर भी है और कहीं कहीं पश्चिम दिशा भी बताई गई है, लेकिन प्रमुख रूप से चंद्रमा की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। और हमारे शरीर में यह मन के कारक तो है ही, और साथ में यह हमारे शरीर में रक्त के कारक हैं, रुधिर, ब्लड के भी कारक हैं। ब्लड के कारक क्यों हैं? क्योंकि ब्लड में भी पानी होता है, और साथ ही ब्लड जो है वो क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड कोई भी फॉर्म हो, उसके कारक कौन हो जाएंगे? चंद्रमा हो चंद्रमा जाएंगे। सर, आप इनकी जैसे हम पढ़ते यूटिलाइजेशन हैं, भी। कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए। जैसे हम पढ़ते हैं चरादि, चरादि अर्थात कि यह द्वि स्वभाव है, स्थिर है, मूवेबल है, या फिर मूव करने वाले नहीं है, तो उसमें चंद्रमा क्या है? चर है, मूव करने वाले चार प्लैनेट है। ठीक है, जैसे हमने अवस्था के बारे में पढ़ा था, सूर्य के बारे में, कि सूर्य की क्या अवस्था होती है? वृद्ध अवस्था होती है। वैसे ही चंद्रमा क्या है? युवा अवस्था में आते हैं, अर्थात चंद्रमा सदैव युवा है। इनकी धातु कौन सी है? धातु इनकी कौन सी है? चांद, चांदी, चांदी, चांदी। हाँ, तो इनकी चांदी है। इनका स्वभाव कैसा चंचल, का मृदु सौम्य। स्वभाव है वो, जैसे कल हम सूर्य पे बात किए थे, तो सूर्य क्या है? क्रूर है। स्वभाव में क्या है? वो क्रूर है। स्वभाव आप जब पढ़ोगे तो आपको ग्रहों के अलग अलग स्वभाव आपको मिलेंगे। एक स्वभाव जो आ जाएगा जो बताएगा चरादि, अर्थात एक चर स्वभाव के हैं, स्थिर स्वभाव के हैं, या द्वि स्वभाव के हैं। एक स्वभाव आपको मिलेगा क्या? वो मिलेगा कि ये क्रूर है या शुभ है। तो इनका जो स्वभाव है वो शुभ है, अर्थात ये जहां भी देखते हैं या जहां भी बैठते हैं वहां क्या देते हैं? यह हमें
शुभता प्रदान कर रहे होते हैं। ठीक है, त्रिदोष, त्रिदोष जो है, त्रिदोष अर्थात जो बात पीत और कफ, बात पीत कफ में इन्हें दो दोष दिए गए हैं। दो दोष कौन कौन से हैं? एक बात दिया गया इन्हें और बात के साथ इन्हें कफ दिया गया है। कफ और बात के ये दाता है, अर्थात जिस व्यक्ति में कफ की और बात की मात्रा ज्यादा हो वो व्यक्ति क्या होगा? चंद्रमा प्रधान है, अर्थात उसमें चंद्रमा की प्रधानता ज्यादा है। और जैसे कफ, आप लोगों को याद होगा किसी कक्षा के अंतर्गत मैंने तुलसीदास जी के कुछ चौपाई पे बात की थी। उन्होंने लिखा है, काम बात कफ लोह अपारा, काम बात कफ लोह अपारा। क्या आ रहा है? कफ भी आ रहा है और बात भी आ रहा है। ये किन चीजों को दर्शा रहा है? हमारी काम को, लो अर्थात और हम जो लोभ है, अर्थात जो लोभ मेरे अंदर है या किसी भी व्यक्ति के अंदर है, उसे यह दर्शा रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति यदि आपको कामी दिख रहा है, अर्थात जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक लोभ दिख रहा है, तो वो क्या है? वो चंद्रमा प्रधान है, उसके कुंडली में चंद्रमा षडबल में हो या चंद्रमा किसी भी प्रकार लग्न से संबंधित निश्चित होंगे, क्योंकि काम बात कफ लोभ अपारा, ऐसा व्यक्ति में जिसका बात और कफ हो उसमें लोभ अपार होता है। विद्या, इनकी विद्या क्या है? इनकी शिक्षा क्या है? पढ़ाई क्या है? इनकी जो शिक्षा है वो ज्योतिष है, और इनकी जो शिक्षा है वो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है वो चंद्रमा है, और साथ में जो शिक्षा है वो इनकी ज्योतिष है। भाव के कारक, जब आप पढ़ोगे काल पुरुष कुंडली को, तो काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव को कौन रूल करते हैं? चतुर्थ भाव के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो यदि आप चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा को देखने के लिए आपको चतुर्थ भाव को भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक कौन है? स्वयं चंद्रमा है। किसी भी प्रकार आपका चौथा भाव डैमेज हो रहा है, यदि आपकी कुंडली तुला लग्न की हो, मकर लग्न की, किसी भी लग्न की हो, यदि आपका चौथा भाव डैमेज हो रहा है, तो निश्चित ही आपका चंद्रमा भी डैमेज होगा। इनके देवता जल हैं, जल अर्थात जल के जो देवता हैं उन्हें हम वरुण कहते हैं। वरुण जल के देवता हैं और चंद्रमा के देवता जल हैं। इनके अधिपति, जैसे सूर्य के अधिपति कौन है? भगवान शिव है। सूर्य के भी स्वामी कौन है? भगवान शिव है। वैसे चंद्रमा के स्वामी कौन है? माँ पार्वती है। तो आप इन सब चीजों से, जो आपको कक्षा में बताई जा रही है, उन सब चीजों से आप बहुत सारे रेमेडी को आपको डिजाइन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चंद्रमा संबंधित समस्या है, तो उसके लिए आप उपाय में क्या बताएंगे? माँ पार्वती की पूजा बताएंगे आपसे, क्योंकि उनके अधिपति हैं, उनके स्वामी हैं। तो माँ पार्वती के पूजा से भी या माँ पार्वती के मंत्र जप से भी उसकी चीजें जो हैं वो कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसे गाया किसने है? इसे गाया है माँ सीता ने। किसकी किसकी प्रसन्नता के लिए या किसके लिए गाया है? ये गाया है माँ पार्वती के लिए। ठीक है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं उपाय के लिए और इन चीजों के लिए। इनका रत्न आप सभी को पता है, इनका जो रत्न है वो मोती होता है, और ये जलाशय के स्वामी, जलाशय या हम कहें तो जो जहां भी जल रखा हो उसके स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। जैसे कुआं है, तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं, इन सब के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा होते हैं। साथ ही इन्हें अस्थान बल दिया गया है। अस्थान बल सभी ग्रहों के अलग अलग होते हैं, वैसे ही जो चंद्रमा का अस्थान बल है वो क्या है? उत्तर है। कुंडली का जो प्रथम भाव है वो पूर्व दिशा होता है, कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो उत्तर दिशा होता है, कुंडली का जो सप्तम भाव है वो पश्चिम दिशा होता है, और कुंडली का जो दशम भाव है वो दक्षिण दिशा होता है। तो अस्थान बल में इन्हें कौन सा कारक
कहां बलि बताया गया है? उत्तर में, अर्थात चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ये बलि होते हैं, सद्बलों में ये बल इसे कहा गया है। दूसरा एक होता है दिन बलि या रात बलि, तो चंद्रमा जो है वो रात दिन में बलि बलि, होते हैं। वृक्ष, चंद्रमा दिन बलि रात बलि, दिन बलि, ओके। वृक्ष। जब हम वृक्ष की बात कर रहे हैं तो जैसे कल हमने सूर्य पे बात की थी, तो कैसे वृक्ष के बारे में हमने बात किया था बताइए, कैसा वृक्ष के बारे में हमने कल बात किया था? सूर्य को यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे वृक्ष के बारे में बताएं कि हाँ ये जो वृक्ष है वो सूर्य है, बरगद का वृक्ष, पुराना वृक्ष। जो पुराना वृक्ष है जो बहुत घना है वो क्या है? सूर्य है। वैसे ही जो दूध वाले वृक्ष हैं, जो भी वृक्ष से दूध की धार निकल रही हो वो सभी वृक्ष क्या है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा के स्वरूप के बारे में कुछ पराशर जी ने बताया है, वो कहते हैं चंद्रमा का स्वरूप क्या है, अर्थात चंद्रमा प्रधान व्यक्ति कैसा होगा। वो कहते हैं वायु और कफ से युक्त प्रकृति, वायु और कफ से युक्त प्रकृति, बुद्धिमान, गोल शरीर, सुंदर नेत्र, मीठे वचन बोलने वाला और चंचल और कामी होता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? मैंने अभी आपको जो तुलसीदास जी की चौपाई है उसके अंतर्गत क्या था, वायु और कफ, बात कफ क्या दे रहा है? काम दे रहा है और लोभ दे रहा है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है पराशर जी ने, वायु और कफ से युक्त प्रकृति, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें वायु और कफ की मात्रा होगी और इससे इसके अंतर्गत जो गुण है वो भी उसमें होंगे, अर्थात जो चंद्र प्रधान व्यक्ति होगा वो कामी होगा, अर्थात उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी और साथ ही वो लोभी भी होगा। भावनात्मक भी होगा और बुद्धिमान होगा। उसका जो शरीर है वो गोल मटोल होगा, गोल शरीर होगा। उसके जो नेत्र, अर्थात जो उसकी आंखें हैं वो बहुत ही सुंदर होंगी, सुंदर अर्थात आकर्षक होगी, आकर्षक उसकी आंखें होंगी। मीठे वचन बोलने वाला, वचन कैसे होंगे उसके? मीठे होंगे, अर्थात तो मीठा वचन, यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ गुस्से में ही बात कर रहा हो ना, तो आपको लग रहा है गुस्से में थोड़ी बात कर रहा है, ठीक से तो नॉर्मल तो बोल रहा है, ये क्या है? मीठा वचन है, मीठे वचन बोलने वाला। यदि वो ज्यादा मीठा बोलने लगे तो समझ जाइए इसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ इच्छा जुड़ी हुई है, कुछ उसकी इच्छा है जो हमसे ये पूरा करना चाह रहा है, इसलिए यह व्यक्ति क्या है? मीठा बोल रहा है, मीठे वचन बोलने वाला। चंचल, जो व्यक्ति चंचल है और जिसकी अत्याधिक कामनाएं हैं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं, जिसकी इच्छा का अंत नहीं है, वो क्या है? वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपके कुंडली में जहां भी बैठा हो, जिस भी भाव में बैठा हो, वो भाव आपको क्या करेगा? इमोशनली वो डैमेज भी कर सकता है या इमोशनली आपको ठीक स्थिति में भी रख सकता है। यदि वो भाव आपने खुद डैमेज कर लिया है किसी भी प्रकार, तो क्या होगा? आपका चंद्रमा स्वयं डैमेज हो जाएगा। यदि आप सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है और आपने क्या किया, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर किसी से झगड़ के चले आए, तो आपने खुद चंद्रमा को खराब किया है, ना कि चंद्रमा आपको खराब किया है। तो विशेषकर ग्रह को हम पढ़ ही रहे हैं, ग्रह हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कर्मों पर विशेषकर हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, कोई प्रश्न आप लोगों का बताइए। सर, जैसे बोला आपने जो ये दूध वाले वृक्ष का ये इनका है, तो उसमें तो बरगद वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, और जो कैक्टस वगैरह काटादार वृक्ष आते हैं वो सब आ जाएंगे। अब उन सब में जैसे बरगद आ जाएगा, तो बरगद पुराना भी है घना भी है, तो सूर्य और चंद्रमा हो जाएगा वो, ठीक है। पीतल, पीपल, पीपल, पीपल को हम कौन से ग्रह से लेते हैं? शनि ग्रह से लेते हैं उसे तो। पीपल शनि भी है, पीपल
पीपल जो है वो कहीं कहीं गुरु से भी लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पीपल के हर पत्ते पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं, आप हर पत्ते पे अलग अलग देवता पाए की कभी तो मान्यता बोलते हैं पीपल पे, तो है। बोलते हैं कि नौ ग्रहों का वास होता है, सारे देवताओं का वास होता है। तो वैसे आप ले सकते हैं। अब अकवन, अकवन अर्थात तो हम कहें अकवन का एक पौधा होता है, अपा मार्ग नहीं, क्या नाम है उसका, अर्क, अर्क, ठीक है। अब अर्क से तो अर्क को यदि आप तोड़ते हैं तो उससे दूध भी निकलता है, वो अर्क, अर्क का स्वामी जो है वो सूर्य भी है ना। तो यदि हमें इन दोनों के उपाय करने हैं, अर्थात किसी प्रकार हम इन दोनों के उपाय कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा का, तो हम अकवन को ले सकते हैं, या अकेले हमें सिर्फ सूर्य का करना है तो भी हम अर्क को लेंगे, अकेले चंद्रमा के लिए हम अर्क को नहीं लेंगे। तो अपनी बुद्धिमत्ता से हमें देखना है उसे, ठीक है। सरो हनुमान नहीं काटे सर इनको तो, चंद्रमा के जो क्या, कांटेदार वृक्ष होते हैं जैसे कि एक कैक्टस वगैरह है, ये सब चीजें तो चंद्रमा के नहीं आएंगे सर। कांटेदार वृक्ष कौन है? कांटेदार भी तो शायद राहु या शनि कुछ लेते हैं हमें कांटेदार वृक्ष जो है वो राहु है, ठीक है। जी। अब राहु और उसमें दूध भी निकल रहा है, तो राहु और चंद्र का संबंध है, तो राहु और चंद्र वो हो गया। अच्छा अब कोई ऐसा वृक्ष हो जो घना भी है, कांटेदार भी है और उससे दूध भी निकल रहा है, तो तीन वृक्ष, तीन ग्रहों को वो दे रहा है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु भी है। भी जी बताइए सविता जी। ओ भगवान हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना सर सैटरडे को, पत्ते का वो माला चढ़ाते हैं ना, उरुई बोलते हैं, वो भी चंद्रमा। सैटरडे को भगवान को पत्ते की माला, किस पत्ते की हाँ माला हाँ दे? हनुमान जी को रुई वो रुई तो का माला जो चढ़ाते हैं, आंख कानपुर बोलते हैं का। सर, आंख 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 जो सफेद कलर का पत्ता होता है ना। हाँ वो ग्रीन कलर का वो पत्ता है था ना, हाँ ऐसे हाँ बांध का पत्ता। सफेद सफेद कलर का, उसमें फूल होता है सर, हाँ सफेद कलर का फूल होता है, आंख हम लोग बोल रहे हैं ना सर, वही उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और ओके। प्रवीण लता जी बताइए क्या प्रश्न है आपके। सर आप यूटिलाइजेशन भी साथ में बता देते हैं इन दोनों के, यूटिलाइजेशन प्लैनेट्स के। इसके प्लैनेट्स हाँ जी के बताइए। हाँ जी जैसे ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, यदि भावनात्मक रूप में आप स्थिर हैं तो वो आपका यूटिलाइजेशन ही है। यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप भावनात्मक बहुत आप स्थिर नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा अपने जीवन के अंतर्गत परेशान चल रहे हैं उस स्थान से जहां चंद्रमा बैठा, तो उसके लिए क्या करना है, यात्रा कर लेनी है, कुछ दिन कहीं आपका दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना है, स्थान परिवर्तन कर लेना है, चंद्रमा ठीक हो जाएगा, यात्रा कर लेना है, कहीं घूम कर चले आना है, चंद्रमा आपका बैलेंस हो जाएगा। और सूर्य सूर्य, सूर्य क्या है आत्मा कारक और क्या है, सरकार है, गवर्नमेंट है। सरकार है, पिता है। जैसे जो नवग्रह हैं, ऋषियों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बहुत सारी चीजें दी। जैसे नवग्रह, चंद्रमा को ठीक करना है तो कुछ मत करो, माता की सेवा कर लो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यदि आप प्रतिदिन माँ के चरण को छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार आपको कोई समस्या नहीं देगा। वैसे ही यदि आप पिता की सेवा करते हैं, नवम भाव, पिता का कारक भाव कौन सा है, नौवा भाव है। अब नौवा भाव क्या है, धर्म है। फिर आपका ये सूर्य क्या है, सात्विक है, आप सात्विक गुण अपने अंदर लाते हैं तो क्या होगा, वो यूटिलाइज होगा। धर्म से जोड़ते हैं कि तो क्या होगा, वो यूटिलाइज होगा। साथ में सूर्य क्या है, क्षत्रिय है, प्रोटेक्टर है, किसी को आप प्रोटेक्ट करते हैं या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो क्या है, आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यदि आपको सूर्य किसी भी प्रकार परेशान, ज्यादा परेशान आपको कर रहा है, तो सरकारी संस्थानों में जाइए, वो क्या है, वो भी एक यूटिलाइजेशन है। लेकिन विशेष परेशानी आपको यदि सरकारी संस्थानों से आ रही हो तो उसमें इसका प्रयोग आपको करना है।
जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसके तो सूर्य यूज हो रहा है। निश्चित यूज हो रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको आपने देखा होगा, अक्सर जो सरकारी नौकरी के अंतर्गत होते हैं वो अक्सर गंजे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गंजे होते हैं। सर गंजापन सूर्य से गिना जाता है ना, जी हाँ, तो इसीलिए जिसके वैसे ही बाल झड़ रहे हों, गंजा हो रहा हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए शनि उसका खराब है, शनि खराब है तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? शनि को यूटिलाइज कीजिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए, अच्छा, शनि शनि को यूटिलाइज यूटिलाइज यही है ना कीजिए, कि कर्मों को ठीक कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और सबसे बड़ा बात है समय, शनि क्या है, काल है, काल अर्थात समय होता है। तो अर्थात आपको यदि अपने बेड को 6 बजे छोड़ना है तो 6:05 नहीं होना चाहिए, शनि यूटिलाइज हो जाएगा, वो यूज में आ जाएगा। बाल ठीक हो जाएंगे। बाल निश्चित ठीक हो जाने चाहिए, लेकिन साथ में ट्रीटमेंट के भी आवश्यकता है। अब ऐसा क्योंकि बाल क्यों झड़ते हैं, यदि आप मेडिकली देखें तो लोग कहते हैं, जैसा जो थोड़ी जानकारी मुझे है, पेट में गर्मी होने के कारण बाल झड़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कुछ उपाय करने होंगे और साथ ही आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी होगी तो ठीक हो पाएगा। जैसे जब आप अल्प आयु पढ़े तो अल्प आयु में क्या था कि 12 साल की आयु तक बच्चे को ज्यादा समस्या रहती है, तो उसमें क्या सिर्फ उपाय ही काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, उपाय के साथ साथ आपको चिकित्सक से सलाह भी लेते रहनी होगी तभी आप ठीक हो पाए, ठीक है। यदि जिनका बाल ज्यादा झड़ रहा है तो उन्हें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के साथ साथ अपने जूते पे, बेल्ट पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। जूते गंदे नहीं होने चाहिए, बेल्ट जो है वो अच्छे रहने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए जूते और बेल्ट जो है उसे ब्रांडेड कर लीजिए, बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और लेबर को चाय वगैरह पिला दे। लेबर वो तो मजदूर भिखारी वो तो आते ही हैं शनि के अंतर्गत। सबसे बड़ा शनि जो है वो कर्म है, जो शनि की 10वीं दृष्टि है ना वो कर्मों को दिखाती है। आपका यदि मेष लग्न की कुंडली है, शनि आपके 10 प्रथम भाव में बैठ गए हैं, तो शनि की दृष्टि 10वीं कहाँ गई? कर्म स्थान पे गई। अब कर्म स्थान पे जाने के कारण, कर्म स्थान अर्थात 10म भाव पे गई है, और कौन सी दृष्टि गई है? 10वीं गई है, वो आपसे स्पष्ट रूप में यह कह रहा है यदि आप अपने कर्मों को बिगाड़ लिए किसी भी प्रकार, तो आपके वो प्रोफेशन को बिगाड़ देगा। अब वो कब तंग करेगा? जब शनि की दशा आएगी तब आपको तंग करेगा, और उसके ऊपर से भी कर्म हम कब तक करते हैं, कर्म हम कब तक करते हैं? जब तक जीवित रहते हैं, यहां हम जीवित रहते हैं तो ही कर्मों को करते हैं। तो एक तरीके से यह जो मेष लग्न में यदि शनि प्रथम में बैठे हों तो उस जातक के लिए यह कह रहे हैं कि भाई अपने कर्मों को तुम ठीक कर लो, नहीं तो तुम्हें यह मृत्यु तक ले जा सकता है। तो कर्मों पर विशेष ध्यान व्यक्ति को करना चाहिए, ज्यादातर विशेष कर्मों पर आप ध्यान दीजिए। आपके ग्रह क्योंकि जो कुछ महापुरुषों के द्वारा कुछ लिखे गए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है योगियों के ऊपर, योगियों के ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब चंद्रमा मन है, अब उसे मन से कोई मतलब ही नहीं है, सूर्य आत्मा है, अब वो आत्मज्ञान ले चुका है, शुक्र पैसा है, बेल्ट है, उसे इन सबसे कोई मतलब ही नहीं। तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से योगियों पे इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं होता है, ठीक है।